आज की तारीख में सबसे बड़ा समस्या होता है बार बार खाने के लिए लोगों को लगता है कुछ ना कुछ चबाते रहो कुछ ना कुछ चबाते रहो। आज मैं आपके साथ ऐसे एक प्राणायाम शेयर करने वाली हूँ, ऐसे तीन प्राणायाम जिसमें आपका भूख कम लगेगा, वो करने के बाद आपको अगेन भूख कम लगा और इनटेक कम हो गया तो नेचुरली वेट रिडक्शन होता है। साथ ही साथ में बहुत सारे लोगों को समस्या है, दैट इज़ यूटीआई इन्फेक्शन होता है बहुत सारे लेडीज़ को, और इसके लिए भी बहुत लाभदायक है। इन्फ्लेमेटरी रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उसके लिए बहुत लाभदायक है। और दूसरे हैं कि मेनोपॉज के टाइम पे पीरियड्स के समय में बहुत गर्माहट शरीर में फील होता है, उसके लिए भी बहुत आवश्यक प्राणायाम जो है हेल्पफुल प्राणायाम है। कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको हाई बीपी है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल प्राणायाम है। जो हम इम्पॉर्टेंट तीन प्राणायाम सर्च करेंगे दैट इज़ शीतली, शीतकारी एंड वायुसार। तो शीतली करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठना है, वज्रासन में, अभी मैं बैठी हूँ वज्रासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में या सुखासन में, नॉर्मल सुखासन में बैठ सकते हो। ज्ञान मुद्रा में हम हाथ रखते हुए हम शीतली करेंगे। शीतली करने के लिए आपको टंग ट्विस्ट करना है, आपको श्वास टंग के बीच में से अंदर लेना है। उसके बाद आप श्वास अंदर लेने के बाद आपको ऐसे कूलिंग इफेक्ट फील होगा, यहाँ तक ऑलमोस्ट आपको एयर भरा हुआ लगेगा। उसके बाद आपके टंग अंदर डाल के आपको लिप्स को बंद करना है और नोज से, नाक से श्वास बाहर छोड़ना है। तो देखिए कैसे करना है। हाथ जो है हमने ज्ञान मुद्रा में रखा है और टंग, आँखें लगातार बंद रहेंगे, टंग को ट्विस्ट करना है। ऐसे आपने खींच के श्वास अंदर लिया, उसके बाद लिप्स बंद, उसके बाद आपको नाक से छोड़ना है श्वास। तो एक बार मैं और दिखाती हूँ। तो कैपेसिटी के अनुसार आप रोक के रख सकते हो। होने के बाद जब भी आप, आपके प्राणायाम होने के बाद दोनों हाथों का घर्षण, आंखों के स्पर्श, चेहरे के स्पर्श, हाथ में देखते हुए आंखें खोलेंगे। ओके, सो ये है शीतली प्राणायाम। तो एक बार मैं आपको और दिखाती हूँ। अब हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। अगेन कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठिए, हाथ जो है ज्ञान मुद्रा में रखना है, एक दांत के ऊपर दूसरा दांत रखना है और दांतों के बीच में से श्वास अंदर लेना है, आंखें लगातार बंद। फिर नाक से आप श्वास छोड़ेंगे, दांत के ऊपर दांत रख के आपने श्वास अंदर लिया, आपको ऐसे श्वास, आपको ऐसे फील होगा एकदम फुल। उसके बाद आप रोक के रखिए कैपेसिटी के अनुसार, फिर नाकों से आप श्वास बाहर छोड़ेंगे। एक बार और दिखाती हूँ। होने के बाद दोनों हाथों का घर्षण, आंखों के स्पर्श, चेहरे के स्पर्श, हाथ में देखते हुए आंखें खोलना है। अब हम करेंगे वायुसार। वायुसार करने के लिए लिप्स के अंदर से, अब लिप्स के अंदर से आपको इनहेल करना है, मुंह बंद, फिर नाक से एक्सहेल करना, कैपेसिटी के अनुसार रोक के रखें। हाथ ज्ञान मुद्रा में रखा आपने, लिप्स में, नाक से आपने एक्सहेल किया। एक बार और दिखाती है, लिप्स के बीच में श्वास अंदर लेना है, रोक के रखना है, फिर नाक से एक्सहेल, फिर दोनों हाथों का घर्षण, आंखों के स्पर्श, चेहरे के स्पर्श, हाथ में देखते हुए आंखें खोलना है। ये तीनों जो प्राणायाम है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, समर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, जिनको फीवर वगैरह है ये बिल्कुल मत कीजिए, अस्थमा का इश्यू है ये बिल्कुल मत कीजिए, और
ये जो प्राणायाम जो आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है, यदि आपको मेरा वीडियो लाइक अच्छा लगा तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकॉन है उसमें ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नए नए वीडियोस लेके आऊँगी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।